दोस्तों, क्या आपको पता है आज से करीब 2 मिलियन साल पहले पृथ्वी में इंसानों की 6 प्रजातियां थी। इन्हें ह्यूमन स्पीसीज कहा जाता है। आज की बुक समरी आपको इतिहास में पीछे ले जाएगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज के बेस पर ग्रुप में बांट रखा है। जो जानवर आपस में सेक्स करके फर्टाइल बच्चे पैदा करते हैं उन्हें एक ही जाति का माना जाता है। जैसे एक गधे और घोड़े का एग्जाम्पल लेते हैं। सब जानते हैं घोड़े और गधे दोनों अलग अलग जानवर हैं। अगर इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए तो एक म्यूल बच्चा पैदा होगा, मतलब आधा घोड़ा और आधा गधा, लेकिन वो म्यूल अनफर्टाइल होगा, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा और उनका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन स्पीसीज के एक ही पूर्वज होते हैं उनका जीन्स ग्रुप एक ही होता है, जैसे टाइगर, जैगुआर, लिपर्ड्स और लायन पैंथर एक ही जीन्स में आते हैं। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में लैटिन नामों से बुलाती है, जो कि एक है जीन्स और दूसरा है स्पीसीज। वैसे ही होमो सेपियंस होमो जीन से आता है, जिसका मतलब होता है मैन, और स्पीसीज सेपियंस जिसका मतलब होता है बुद्धि। लायंस, हाउस कैट या चीता ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसी तरह नियंडरथाल्स और होमो एरेक्टस डिफरेंट स्पीसीज के हैं, लेकिन ये भी ह्यूमन है। आप मानो या ना मानो बट हम इंसानों के जीन्स गोरिल्ला और चिंपैंजीज की तरह एप्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। करीब 6 मिलियन साल पहले एक ऐप ने 2 फीमेल को जन्म दिया था और उसमें से एक को चिंपैंजीज की ग्रैंड मदर कहा गया और दूसरी को हमारी ग्रैंड मदर कहा गया। और जो हिस्ट्री में फर्स्ट ह्यूमन था वो एस्ट्रोलोथिफिकस नाम के जीन वाले ऐप से इवॉल्व हुआ था। ये प्रजाति ईस्ट अफ्रीका में रहती थी और फिर 2 मिलियन साल पहले इनमें से कुछ ह्यूमन कहीं और चले गए। वे नॉर्थ अफ्रीका की तरफ चले गए, फिर वहां से यूरोप और एशिया चले गए। और इंसानों के अंदर जो डिफरेंट एबिलिटी आई है वो उनके डिफरेंट इन्वायरमेंट पे सर्वाइव करने के कारण आई है। मतलब जो ह्यूमन यूरोप और वेस्टर्न एशिया गया वो वहीं के मौसम के हिसाब से रहना सीख गया। बाद में उन्हें नियंडरथाल्स कहा गया। जो आदिमानव ईस्ट एशिया गए उन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। जो ह्यूमन इंडोनेशिया जावा आइसलैंड में बसे उन्हें होमो साइलेंसियस कहा गया। और ये सभी स्पीसीज अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सर्वाइव करके इवॉल्व हुए। और इंडोनेशिया के फ्लोरस आइसलैंड में एक और ह्यूमन स्पीसीज का जन्म हुआ जिन्हें होमो फ्लोरेंसिस कहा गया। और ये आइलैंड में तब आए थे जब समुद्र का पानी बहुत ही लो था। फिर कुछ टाइम बाद समुद्र का पानी इंक्रीज हो गया, इसलिए वो आइलैंड में फंस गए। इस आइलैंड में कोई ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे जिसकी वजह से वहाँ के ह्यूमंस को बहुत ज्यादा सर्वाइव करना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे ह्यूमन जिन्हें जिंदा रहने के लिए ज्यादा खुराक चाहिए वो खुराक न मिलने की वजह से मारे गए और बच्चे कुछ सर्वाइव करते रहे। और फिर कुछ जनरेशन के बाद होमो फ्लोरेंसियस के जनरेशन में बौने पैदा होने लगे जो करीब 25 किलो के 1 फीट के होते थे। वैसे तो ये देखने में बहुत छोटे होते थे लेकिन इनकी प्रजाति बहुत ही फूली फली और इन्होंने शिकार करने के लिए पत्थरों से टूल बनाए। जहां एक तरफ बाकी ह्यूमन रेस अफ्रीका से बाहर चली गई, वहीं ईस्ट अफ्रीका के आदि मानव लगातार विकास करते रहे। इन्हें होमो रेडोल्फेसिस कहा गया। फिर धीरे धीरे करके हमारी स्पीसीज भी जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है इवॉल्व हुई और आदि मानव की ये सारी प्रजाति पृथ्वी में एक ही समय में रहने लगे। करीब 2 मिलियन से 10,000 साल पहले इंसानों की 6 प्रजाति इवॉल्व हुई। पहला नियंडरथाल्स, सुलोसियस, फ्लोरेसियंसिस, इरेक्टस, एरगेस्टर और होमो सेपियंस। जब बंदरों के, बिल्लियों के और बाकी जानवरों के इतने सारे स्पीसीज हो सकते हैं तो हम इंसानों के क्यों नहीं? लेकिन हम होमो सेपियंस ही इतने लंबे समय से अकेले इस दुनिया पे राज कैसे कर रहे हैं? इसके पीछे क्या स्टोरी है? करीब 150,000 साल पहले ईस्ट अफ्रीका में रहने वाले होमो सेपियंस को बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। ये लोग हंटर गैदरर थे। फिर हमने आग की खोज की, उसके बाद हमने इवोल्यूशन में एक नई स्पीड पकड़ी। फिर होमो सेपियंस पकाकर खाना खाने लगे जिससे उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आए। इवोल्यूशन के कारण उनके फेस के जबड़ों का साइज, उनके दांत का साइज छोटा होने लगा और हमारे दिमाग में कई म्यूटेशन होने लगे। फिर जैसे जैसे उनमें समझ विकसित हुई 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ईस्ट अफ्रीका से बाहर निकले। उन्होंने अरेबियन पेनिनसुला को क्रॉस किया और वहां से यूरोप और एशिया चले गए। और वो ये देख के हैरान हो गए कि यहां तो पहले से इंसान रह रहे, नियंडरथाल्स और बाकी दूसरे ह्यूमन वहां पहले से बसे हुए थे। और अब आगे क्या हुआ होगा? साइंटिस्टों के पास 2 थ्योरी है। या तो होमो सेपियंस ने उन्हें मार दिया होगा या तो होमो सेपियंस ने साथ मिलकर अपने जनरेशन को आगे बढ़ाया होगा, लेकिन ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि होमो नियंडरथाल्स और होमो सेपियंस दोनों अलग प्रजाति के लोग थे, दोनों इंसान ही थे। लेकिन उनके क्रॉस ब्रीडिंग से म्यूल्स बच्चे का ही जन्म होता, जैसा मैंने शुरुआत में गधे और घोड़े के बारे में बताया था। तो यहाँ पे साइंटिस्टों की दूसरी थ्योरी आती है कि होमो सेपियंस ने अपने अलावा बाकी सभी स्पीसीज को मार दिया क्योंकि वो दूसरे स्पीसीज से ज्यादा तेज और अपने माइंड को इवॉल्व कर लिया था।
होमो सेपियंस जो यूरेशिया आए थे उन्होंने नियंडरथल्स की पूरी जनरेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। 70,000 से 30,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ था। इसका मतलब उस समय होमो सेपियंस काफी इंटेलिजेंट हो चुके थे। उन्होंने समुद्र पार करने के लिए बोट्स बनाए, हथियार बनाए, धनुष और बाण बनाए और शायद इसी युग में दुनिया का पहला आर्टवर्क भी बना था, क्योंकि स्टेडल केव जर्मनी में इसी टाइम स्टेडल लायन मैन का स्टैचू मिला। ये मूर्ति हाथी के दांत से बनी थी जिसका हेड लायन का था और बॉडी ह्यूमन की। और ये आर्ट सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी बल्कि ये प्रूफ था कि अब होमो सेपियंस भी चीजों को इमेजिन कर सकते थे और इमेजिन करके उन्हें रियलिटी में बदल सकते थे, जो ह्यूमन जनरेशन की प्रगति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो बात यह है कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ कैसे। साइंटिस्ट मानते हैं कि सेपियंस के ब्रेन पर जेनेटिक म्यूटेशन हुआ होगा। उनके न्यूरॉन्स कुछ इस तरह से उलझे होंगे कि उन्हें सोचने की ये नई एबिलिटी मिली होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सिर्फ होमो सेपियंस में ही ये एवोल्यूशन क्यों हुआ, नियंडरथल्स में क्यों नहीं, इस बारे में अब तक कोई सॉलिड थ्योरी नहीं मिली है और ये एक रैंडम चांस भी हो सकता है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का मोस्ट इंटेलिजेंट इम्प्लीमेंट ये है कि सेपियंस ने एक नई टाइप की लैंग्वेज इवेंट की। ये बड़ी यूनिक तरीके की लैंग्वेज थी जो बाकी स्पीसीज के कम्युनिकेशन से बिल्कुल अलग थी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी। सेपियंस ने जो लैंग्वेज बनाई थी वो कोई पहली लैंग्वेज नहीं थी। हर जानवर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी तरीके का यूज करता है, ये उनकी लैंग्वेज होती है। अगर किसी बंदर को सामने वाले बंदर को ये बताना हो या कोई वार्निंग दे रहा हो तो वो सामने वाले बंदर को क्लियरली ये मैसेज पहुंचा सकता है कि सामने से शेर आ रहा है या फिर कोई ईगल आ रही है। जूलॉजिस्ट ने बंदरों की इन कॉल्स को रिकॉर्ड किया और उनके ग्रुप को सुनाया। जब पहली वाली कॉल्स को बजाया गया तो बंदर एक जगह खड़े होकर ऊपर की तरफ देखने लगे और जब दूसरी वाली कॉल को बजाया गया तो सभी बंदर पेड़ में चढ़ने लगे। सेपियंस की इस यूनिक लैंग्वेज उनकी एक एबिलिटी का प्रूफ था कि वो इन चीजों को या इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं जो रियल में होती ही नहीं है। ये उनका बाकी ह्यूमन स्पीसीज के मुकाबले अल्टीमेट एडवांटेज था। सिर्फ सेपियंस ही उन चीजों के बारे में सोच सकते थे और बोल सकते थे जिन्हें उन्होंने कभी देखा ही ना। जैसे फ्यूचर के बारे में सोचना, ये सोचना कि हम उड़ क्यों नहीं सकते, ये सोचना कि हम पानी में क्यों नहीं चल सकते, और बाद में यही बुनियाद बना हमारे टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ने का। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में सेपियंस ने मिस्र बनाया, लेजेंड्स बनाए, भगवान बनाए, धर्म बनाए और फिक्शन बनाया। और ये उस समय की बात है जब होमो सेपियंस हमसे आज की ह्यूमन से 90% इवॉल्व हुआ ही नहीं था। मिस्र और लेजेंड्स में यकीन रखने वाले सेपियंस बड़े बड़े झुंड बनाकर रहने लगे। इंसानी बस्तियां बसने की शुरुआत हुई, पहले कुछ रिश्तेदार और दोस्तों से, फिर धीरे धीरे झुंड बड़े होने लगे, कबीले बनने लगे। इंसानों की तरह चिंपैंजीज भी झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन चिंपैंजीज की ग्रुप 50 से ज्यादा की नहीं होती क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा चिंपैंजीज के होने से सोशल ऑर्डर टूटने लग जाता है। फिर कुछ चिंपैंजीज नए लीडर के पास जाते हैं और नया ग्रुप बनाते हैं। लेकिन सेपियंस की बात अलग थी। जब वो झुंड बनाने लगे, जब वो बस्तियों में बसने लगे तो उनकी संख्या 50, 100 और हजारों में पहुंचने लगी। लेकिन सेपियंस अपने इस ग्रुप को मैनेज करने में असफल रहे क्योंकि उन्हें इसकी आदत नहीं थी। तो ये सोचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि होमो सेपियंस इतने इवॉल्व होकर आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना रहे हैं, जब वो उस समय कुछ ग्रुप्स को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उनका सीक्रेट यही था कि अपनी इमेजिनेशन को ग्रैब करने की उनकी एबिलिटी। और सही मायनों में कहा जाए तो भगवान, रिलीजन, कॉरपोरेशन और नेशन सिर्फ हमारे इमेजिनरी बिलीव्स हैं, जिसे हमने सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से बैलेंस कर पाए। बेशक हम इन चीजों को छू नहीं सकते, लेकिन हम अपने इस स्टोरी पे बिलीव करते हैं। एक बिलीफ है जो दुनिया में लाखों लोगों को एक सिंगल गोल की तरफ अट्रैक्ट करता है और उन्हें जोड़े रखता है। और सेपियंस की तरक्की का भी यही सीक्रेट था और यही हमारा अल्टीमेट एडवांटेज है जो नियंडरथल्स और बाकी ह्यूमंस में नहीं था। फिर होमो सेपियंस की आबादी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी और देखते देखते वो पूरे प्लैनेट में फैल गए। हमारी यही एबिलिटी हमें जानवरों से अलग बनाती है, साथ साथ हमें उन इंसानों से भी अलग बनाती है जो अलग जाति के थे लेकिन हमारे तरह इंसान ही थे। लेकिन उनमें ये एबिलिटी नहीं थी कि वो फ्यूचर के बारे में सोच सके, वो स्वर्ग के बारे में सोच सके, अपने पास्ट के बारे में सोच के उनसे सीख सके। और यही होमो सेपियंस को अलग बनाती रही। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन से पहले सेपियंस अफ्रीका, यूरोप और एशिया में ही रहते थे। वे समुद्र को पार नहीं कर सकते थे। ये लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए इन जगहों पर रहने वाले जानवर, पेड़ पौधे लाखों सालों तक आराम से रहे। लेकिन कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद जब ह्यूमंस के पास इतनी एबिलिटी आ गई समुद्र को पार करने की और नए नए जगह को एक्सप्लोर करने की, तो उन्होंने पहले से बेटर टूल्स बना लिए। करीब 45,000 साल पहले सेपियंस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। इससे पहले किसी इंसानी प्रजाति ने यहाँ पर अपने कदम नहीं रखे थे। साइंटिस्ट के हिसाब से अब तक उन्होंने ऐसे बोट बनाना शुरू कर दिया था जो पहले से ज्यादा मात्रा में लोगों को ट्रैवल करवा सकती थी। और फिर वो ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचे।
शुरुआत में कोई भी इन्वायरमेंट सीपियंस के लिए नया होता था, लेकिन बहुत जल्दी वो उसी हिसाब से ढल जाते थे और 2000 साल बाद उन्होंने उस जगह को पूरी तरह से बदल दिया। सीपियंस ने लैंड पे कब्जा किया और फूड चेन के टॉप पे पहुंच गए और इस तरह वो दुनिया के सबसे खतरनाक स्पीसीज बन गए। आग की खोज के बाद और बड़े बड़े तेज हथियार बनाने के बाद वो बड़े से बड़े खतरनाक जानवर का आसानी से शिकार कर सकते थे। सीपियंस जब ऑस्ट्रेलिया आए तो उनका सामना बड़े बड़े नए जानवरों से हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे कि उन्हें 2 मीटर हाइट के करीब 200 वेट के कंगारू मिले, बड़ी बड़ी बर्ड्स जो उड़ नहीं सकती थी, कई भालू के साइज के चूहे। मगर ऑस्ट्रेलिया आने के 2000 साल बाद ही ये सारे जानवर गायब हो गए। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये सीपियंस की गलती नहीं थी, बल्कि इसका कारण था पृथ्वी में आने वाले कई आइस एज, जिनकी वजह से वो बड़े जानवर कमजोर हो जाते थे। और दूसरा, इन बड़े जानवरों को बच्चे पैदा करने के लिए बहुत लंबे समय लगते थे और इनके प्रेगनेंसी के बीच का समय भी बहुत लंबा होता था, इसीलिए इनकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म होने लगी। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि इनमें से कई जानवरों ने कई बार आइस एज को सफर किया था और होमो सेपियंस के आने से पहले वो कई सौ सालों तक वहाँ सेफ रहे, लेकिन होमो सेपियंस जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ बड़ी तेजी से जानवरों का शिकार करते थे और उनकी आबादी बहुत तेजी से कम हो जाती थी। 50 किलो से कम कोई भी मेमद नहीं बचे। बर्ड्स की 60% स्पीसीज खत्म हो चुकी थी। अफ्रीका के जानवरों से अलग इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जानवरों को अपना डिफेंड करना नहीं आता था, जिससे वह आसानी से शिकार बन जाते थे। होमो सेपियंस इतने इंटेलिजेंस हो चुके थे कि वो किसी भी बड़े से बड़े और तेज जानवरों को भी मार के गिरा सकते हैं। यही सेम स्टोरी अमेरिका के ज्वाइंट एनिमल्स की भी है। आज से 16,000 साल पहले ये जगह भी ऑस्ट्रेलिया की तरह थी, जहाँ कदम रखने वाले फर्स्ट ह्यूमन होमो सेपियंस ही थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आने के लिए बोट्स का इस्तेमाल नहीं किया। ये लोग पैदल ही यहाँ तक पहुँचे थे। समुद्र का पानी उस समय नीचे रहा होगा। नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया से नॉर्थ वेस्टर्न अलास्का तक एक लैंड ब्रिज है। उस समय सेपियंस के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था यहाँ का बेहद ठंडा मौसम, जो लगभग -50 डिग्री था। नियंडरथल्स ने कभी यहाँ तक जाने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन सेपियंस उनसे ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने शूज बनाए, थर्मल कपड़े बनाए और जानवर की खाल और फाड़ से कपड़े सिलने के लिए ये लोग सुई का इस्तेमाल करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात की कई प्रूफ मिले हैं कि सेपियंस के कई ग्रुप जो साइबेरिया गए थे वहाँ उन्होंने अपनी बस्ती बनाई। ये लोग मेमथ हंटर थे और मेमथ इनका मनपसंद शिकार, क्योंकि इस बड़े से हाथी का मीट बहुत ही जूसी होता था और इनके दांत बहुत काम आते थे। मेमथ के दांत मतलब आइवरी आज भी बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। और इस तरह 16,000 साल पहले मेमथ हंटिंग के शौक ने उन्हें अलास्का तक पहुंचा दिया। यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे, जिनकी वजह से सीपियंस अमेरिका को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ मेल्ट होने लगी और फिर सीपियंस को इस जगह को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। ईस्टर्न यूएसए के जंगलों में, मिसिसी के दलदलों में, सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में और मेक्सिको के रेगिस्तान में सीपियंस ने अपनी आबादी बसाई। इनमें से कुछ लोग अमेजोन की नदी के किनारे भी बस गए। इस तरह 2000 सालों में सीपियंस ने पूरे अमेरिका को कब्जे में कर लिया। अलास्का से लेकर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, लैटिन अमेरिका तक उन्हें कई तरह के जानवर मिले। मगर 2000 सालों में सीपियंस के आने के बाद ये सारे जानवर गायब हो गए। मेमल्स की 47 प्रजातियों में से 38 के करीब तो नॉर्थ अमेरिका से एकदम लुप्त हो गए और अमेरिका में भी 60 में से 50 मेमल्स की जातियां लुप्त हो गई। इससे पहले 30 मिलियन सालों तक सेबर टूट बिल्ली, ज्वाइंट रोडेंस, अमेरिकन ऊंट और घोड़े और ऐसे बहुत सारे जानवर आराम से रह रहे थे, लेकिन सीपियंस के इस महाद्वीप में कदम रखने पर धीरे धीरे सारी प्रजातियां गायब होने लगी और इन जानवरों के खात्मे के पीछे बल्कि होमो सेपियंस ही जिम्मेदार है। जब हम अपने रहने के लिए दुनिया की कॉलोनी बसा रहे थे, उस वक्त हम एनिमल किंगडम की बर्बादी का नींव खोद रहे थे। होमो सेपियंस अब पूरी दुनिया में फैल चुके थे और अपनी बस्तियां बसा चुके थे और फिर उनके लाइफ में आया एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। उन्होंने हंटिंग को छोड़कर खेती करने में फोकस किया। वो बहुत तेजी से मेंटली इवॉल्व हो रहे थे और इसीलिए उन्होंने अपना फोकस एग्रीकल्चर पे डाला। उन्होंने अपने जरूरत के हिसाब से खेती करना शुरू किया। उनके आसपास जो जानवर थे जैसे गाय, बकरी, पिग्स, उसी हिसाब से उन्होंने खेती करने का फैसला लिया और वो शिकार सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करते थे। खेती करने में बहुत मेहनत लगती थी और ये बहुत ही पेशेंस का काम है, क्योंकि इसमें कई प्रोसेस होते हैं, लेकिन फिर भी होमो सेपियंस खेती को छोड़कर हंटिंग की तरफ नहीं गए। एग्रीकल्चर ने होमो सेपियंस को डिपेंडेंट बना दिया था, लेकिन फिर भी ये चेंजेस इतने ग्रेजुअली थे और हंटिंग से उन्हें एग्रीकल्चर में आने में कई 100 साल लग गए, जो उनके हैबिट में जा चुका था। लेकिन इससे उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ गया, क्योंकि उनका पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और चीजों को मैनेज करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। और फिर अपने इमेजिनेशन को यूज करके उन्होंने इमेजिनरी मिथ का यूज किया और उन्हें उस टाइम सभी लोगों से सही तरह से कॉपरेट करने के लिए यही सही लगा और इसलिए उन्होंने अपने रूल्स बनाए और उसे फॉलो करना शुरू किया।
और फिर धीरे धीरे वो एक बिलीफ बन गया, जैसे रिलीजन, गॉड, लॉस और नेचर को भी इसी बिलीफ में बांट दिया। जैसे सूरज के लिए सूरज देवता, क्लाइमेट के लिए एक गॉड, एयर के लिए एक गॉड, फायर के लिए एक गॉड। और फिर धीरे धीरे उन्होंने इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बिलीव्स बना लिए कि जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती थी, अगर उनके लाइफ में कुछ बुरा होने लगता था तो वो भी अपने आप को ये बोलकर शांत करते थे कि भगवान सब ठीक कर देगा। जैसा आज होता है, पहले के टाइम पे पैसा नहीं होता था, एक बार्टर सिस्टम होता था, मतलब अगर आपको कोई चीज चाहिए तो इसके बदले आप सामने वाले को भी कोई दूसरी चीज दोगे। लेकिन इससे सही एक्सचेंज नहीं हो पाता था। अगर क्वांटिटी ज्यादा है पर सामने वाले को इसकी नीड नहीं है तो ऐसे में बहुत दिक्कत आती थी, इसलिए कॉइन्स बने और फिर बाद में पैसे पेपर फॉर्म में आने लगे। होमो सेपियंस अब इतना इवॉल्व हो चुका था कि उसके लिए खाने से ज्यादा उसकी सोसाइटी, उनका एनवायरनमेंट और उनकी फैमिली इंपॉर्टेंट थी, और फिर इसीलिए लीडर्स बने। होमो सेपियंस ने मेजॉरिटी में वोट देकर अपने लिए एक शख्स चुना, एक लीडर जो राजा बना। फिर वो राजा और प्रजा का कल्चर चला। राजा ने अपनी सरहदें बनाई, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी बनाई, बहुत सारे रूल्स बनाए। होमो सेपियंस ने अपने इमेजिनेशन का यूज करके अलग अलग भाषाएं सीखी और अलग अलग भाषाओं में अपनी नॉलेज को स्टोर करके बुक्स लिखे। और फिर धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी के एज में कदम रखने लगे। धरती पर जिंदगी की पहली शुरुआत के साथ नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से इवॉल्व होने का रूल बन गया। एक सिंपल से बैक्टीरिया से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन तक सभी लिविंग थिंग इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन बायोलॉजी पर 4 बिलियन सालों से राज कर रहा है, मगर 21वीं सेंचुरी में सेपियंस ने कुछ ऐसा कर दिया जो सिर्फ भगवान कर सकता है। हमने न सिर्फ अपने आसपास की सारी चीजों को बदल दिया है, उन्हें बेहतर बनाया है, बल्कि हमने प्रकृति के कई नियम को भी तोड़ दिया है। हम पहले उड़ नहीं सकते थे, हमने एयरप्लेन बना दिए। आज हम समुद्र के अंदर जाकर भी सी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी इमारतें, बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग, न्यूक्लियर वेपन, स्मार्टफोन, इंटरनेट और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी। हमने अभी तक इतनी सारी टेक्नोलॉजी बना ली है कि अगर किसी तरह इजिप्ट में रहने वाला इंसान हमें देख ले तो वो हमें भगवान ही समझ लेगा। हमारे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा ये तो सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि हमने अभी से ही आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाने में काम करना शुरू कर दिया है। पर अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो गए, जो हम हो ही जाएंगे, फिर हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन कहाँ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ होमो सेपियंस की ये सारी कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी हो और आपको एक नया एक्सपीरियंस देने में कामयाब रही हो। ये बुक सच में कमाल की है, आपको लाइफ में एक बार तो जरूर इसे पढ़ना चाहिए। इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। ये सारी बातें मैंने आपको सेपियंस बुक से बताई है, जिसके ऑथर है यूवल नोआ हरारी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अभी तक आप इस वीडियो में बने हो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।